दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करते हैं। आपका या फिर आपके फैमिली में किसी के भी पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करना हो, जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, तो आसानी से आप घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कैसे किया जाता है इसे सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है। एड्रेस बार में जा करके आपको टाइप करना है ऑनलाइन पैन करेक्शन और इंटर कर देना है। इंटर करते ही यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले पेज को डायरेक्ट ओपन करने के लिए इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। नीचे आपको आना है एप्लीकेशन टाइप में, यहाँ पर आपको सेट करना है चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डाटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कैटेगरी में आपको सेट करना है इंडिविजुअल। एप्लीकेट इन्फॉर्मेशन के अंदर पहला ऑप्शन दिया हुआ है टाइटल का, इस पर क्लिक करके आपको श्री श्रीमती कुमारी जो भी है आपको सेट कर लेना है। तो जिसका पेन कार्ड है वो है मेल, तो यहाँ पर लेता हूँ श्री। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम टाइप कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, इसमें ईमेल आईडी और इसमें फ़ोन नंबर। नीचे यहाँ पर इंडियन सिटीजन के लिए आपको यस करना है और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके ये जो कैप्चा कोड है इसमें आपको टाइप कर देना है। ये सभी कैपिटल में होता है। टाइप करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मिलता है टोकन नंबर। पैन कार्ड में हम जो भी करेक्शन करेंगे पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए इस वाले टोकन नंबर का यूज करना पड़ता है, तो इसे आप अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। पेन कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है, ईकेवाईसी, स्कैन इमेजेज और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। इस वाले ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है। इस वाले ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है और ये दिया हुआ है ईकेवाईसी के थ्रू। आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप अपने आधार कार्ड का यूज करके ऑनलाइन ईकेवाईसी करके पेन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ईकेवाईसी का यूज करके पैन कार्ड में करेक्शन करके दिखाऊंगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे दिया हुआ है वेदर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। फिजिकल पैन कार्ड मंगवाने के लिए आपको यहाँ पे यस करना है। नीचे आपका यहाँ पर पैन कार्ड नंबर है। इसके बाद यहाँ पे दिया है आधार नंबर। यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर आपको टाइप करना है। आपके आधार कार्ड पे जो भी फोटो है उसे पैन कार्ड में प्रिंट करवाने के लिए यस पे क्लिक करना है। प्रिंट नहीं करवाना है तो नो पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। आपको यहाँ पे सभी डिटेल दिखा देगा, जैसे आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है। आपको जिस चीज़ में करेक्शन करना है उस वाले चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए आपको नेम में करेक्शन करना है तो यहाँ पे ये चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है अगर आपको इसमें करेक्शन करना है तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपका जेंडर है तो जेंडर यहाँ पे सेट कर लिया मैंने मेल है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ फादर नेम में करेक्शन करना है तो ये दिया हुआ है डिटेल ऑफ पेरेंट्स। अगर आपको फादर नेम में कुछ भी करेक्शन नहीं करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना फादर नेम और मदर नेम टाइप कर देना है। तो मुझे यहाँ पे करेक्शन करना है तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे फादर नेम और मदर नेम टाइप कर देता हूँ। टाइप करके यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। आपको पैन कार्ड पर किसका नाम चाहिए, फादर का या मदर का? ज्यादातर पैन कार्ड पे फादर का ही नाम होता है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से क्लिक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो बटन है सेव ड्राइव है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो सभी आपका सेव हो जाए। यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन से, अगर आपको अपना एड्रेस अपडेट करवाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं। पैन कार्ड में तो एड्रेस नहीं होता है लेकिन आपका एड्रेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रहता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी आपका एड्रेस रिकॉर्ड है अगर आपको उसे अपडेट करना है तो यहाँ पे आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके। अगर आपको एड्रेस अपडेट नहीं करना है तो इसे आपको अनचेक कर देना है। आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है अगर आपको इसे भी अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करना है तो मैंने इस पर क्लिक करके टाइप कर दिया इंडिया और यहाँ पे कंट्री कोड आ चुका है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पेन वन पेन टू, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेन कार्ड है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप जो भी आपका पेन नंबर है यहाँ पे आपको टाइप करके कैंसिल करवा सकते हैं, तो इसे आपको अनचेक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेव एंड ड्राइव पे क्लिक कर देना है ताकि आपने जो भी फिल किया हुआ है वो आपका सेव हो जाए।
यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड ऑटोमेटिक आ चुका है, ये दिया हुआ है पेन ऑफ प्रूफ है, इस पर क्लिक करके कॉपी ऑफ पेन कार्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ डिक्लेरेशन से आपको यहाँ पे इसमें डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम टाइप कर देना है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर हिम सेल पे क्लिक कर देना है। और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ प्रपोस्ट चेंजेस करेक्शन से, डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या दे रहे हैं करेक्शन के लिए, तो यहाँ पे तीनों में हमारा आधार कार्ड है, आपको यहाँ पे टाइप करना है 1। अगर आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में अलग अलग डॉक्यूमेंट देते तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता 2। इसमें आपको प्लेस टाइप कर देना है, तो मैं अभी फॉर्म फिल कर रहा हूँ दिल्ली के लिए, तो मैंने आप टाइप कर दिया न्यू दिल्ली। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड प्लीज कन्फर्म डिटेल से, आपका सभी डिटेल यहाँ पे नीचे आपको दिखा देगा, पैन कार्ड नंबर और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इंटर आधार फर्स्ट 8 नंबर, आधार कार्ड का जो स्टार्टिंग का 8 नंबर है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। नंबर टाइप करके जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो अभी तक आपने फॉर्म में जो भी फिल किया है आपका सभी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपको किसी चीज में करेक्शन करना है तो यहाँ पे नीचे में एक एडिट का बटन है, इस पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी डिटेल फिल किया है मैंने एक बार चेक कर लिया, सब कुछ यहाँ पे सही है। तो सही होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए आप पेटीएम का यूज कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क पे क्लिक कर देना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखा देगा आपको कितना पे करना है, और यहाँ पे नीचे आकर के इस वाले रेडियो बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे जैसे भी पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, तो जैसे भी आपको पेमेंट करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मुझे यहाँ पे पेमेंट करना है इंटरनेट बैंकिंग से, जिससे मेरा है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया। बैंक का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करके लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे लास्ट में आपको कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ भी एक कन्फर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करके कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा देगा। यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना होता है, यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है अप टू 1 मिनट, आपको यहाँ पे ना बैक बटन दबाना है ना ही रिफ्रेश करना है। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे कुछ देर प्रोसेसिंग लेता है, तो देखिए यहाँ पे दिखा दिया कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपका पेमेंट हो चुका है, और यहाँ नीचे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका सभी डिटेल दिखा देगा, जैसे टोकन नंबर, नेम, जेंडर, मेल और यहाँ पे आधार नंबर। नीचे आपको यहाँ पर इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके और नीचे आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। याद रखना आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना, आपको क्लिक करना है ऑथेंटिकेट पर, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर कंटिन्यू टू ईकेवाईसी पे क्लिक कर देना है। आपका टोकन नंबर, नाम, आधार नंबर दिखा देगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ पाता है तो यहाँ पर रीजनरेट पे क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी मंगवा सकते हैं। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे कंटिन्यू टू ई साइन पे क्लिक करना है। इसमें आपको यहाँ पर ऊपर चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे आपको यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर देना है। इस वाले बॉक्स में क्लिक करके जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा देगा। आप यहाँ पर वीआईडी नंबर या फिर 12 अंक का आधार नंबर टाइप कर सकते हैं। आधार नंबर टाइप करके यहाँ पे सेंड ओटीपी का बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ओटीपी टाइप करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने यहाँ पे एक पीडीएफ आएगा। इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करना पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ आप कैसे टाइप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है डे, मंथ, ईयर। आपको बीच में ना ही कोई डेस है ना ही स्पेस लगाना है। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 2000, तो आपको टाइप करना है 1506 2000। तो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ। तो याद रखना पासवर्ड जो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है ओपन करने के लिए। पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपने फॉर्म में जो जो फिल किया है यहाँ पे आपको सभी डिटेल दिखा देगा। तो इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोबारा से आपको पासवर्ड टाइप करना है, पासवर्ड में आपको टाइप करना है डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ। आपको इस वाले फॉर्म के अंदर एक नंबर मिलता है जिसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये देखिए ये 15 अंक का होता है। पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट भेजा हुआ है उसे चेक करने के लिए आपको इस वाले नंबर की जरूरत पड़ती है। और आप चेक कैसे करेंगे, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑनलाइन पैन
करेक्शन स्टेटस और इंटर कर देना है। ये जो पहली वेबसाइट है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इस वाले पेज को डायरेक्ट ओपन करने के लिए इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वाले पेज को ओपन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एप्लीकेशन टाइप, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेन न्यू चेंज रिक्वेस्ट पर, और जो नंबर आपको फॉर्म में मिला हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ये जो कैप्चरा कोड है इस वाले बॉक्स में टाइप करके सबमिट बटन पे क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जब आप अपना ईमेल आईडी चेक करेंगे तो इसमें आपको दो मेल दिखाएगा, एक आपका टोकन नंबर, ये देखिए ये टोकन नंबर का ईमेल है, यहाँ पे दिया हुआ टोकन नंबर, और दूसरा जो ईमेल दिया हुआ है जब हमने लास्ट में पेमेंट करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दिया था, यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, और यहाँ पे नीचे में आपको दो PDF मिलेगा, एक में आपका फॉर्म का डिटेल दिया हुआ है और एक है आपका रिसीप्ट। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करना हो तो कैसे करते हैं। तो आज के इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियो जैसी अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।